गुड मॉर्निंग सुप्रभात स्टूडेंट्स आइए अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं स्पेलिंग रूल नंबर फोर रूल नंबर फोर यहां पर हम कुछ ऐसे रूट वर्ड्स की चर्चा करेंगे जिनमें लास्ट में ई e आता है रूट वर्ड्स एंडिंग इन ई और यदि हम ऐसे रूट वर्ड्स में कुछ सफिक्स ऐड करते हैं तो या तो वो सफिक्स वॉवल से बिगिन होगा या फिर कंसोनेंट से फिर से सुनिए रूट वर्ड एंडिंग इन ई प्लस ए सफिक्स बिगनिंग विद आई दॉवल और ए कंसोनेंट इसके लिए दो अलग अलग रूल्स हैं रूट वर्ड एंडिंग इन ई प्लस सफिक्स बिगनिंग विद एवोवल साउंड अगर ये जैसे एक रूट वर्ड है वैल्यू इफ वी एड ए सफिक्स एबल दिस रूट वर्ड एंडस इन ई एंड दिस सफिक्स बिगिंस विद ए वॉवल साउंड ए तो हमेशा हम इस ई e को ड्रॉप कर देते हैं जब ये एक नया वर्ड बनता है वैल्यू एबल वैल्यूएबल बाय ड्रॉपिंग ई दिस इज ए स्पेलिंग रूल फिर से सुनिए यदि कोई वर्ड लास्ट में ई आता है और वो ई साइलेंट होता है मोस्टली साइलेंट होता है बोला नहीं जाता और उसमें कोई वोवल साउंड से बिगनिंग कोई सफिक्स एड करते हैं तो जो वर्ड हमारा बनता है उसमें हम ई को ड्रॉप कर देते हैं नहीं लिखते वैल्यू वैल्युएबल यहां पर देखो मैंने ई नहीं लिखा यू के बाद डायरेक्ट ए लिखा है अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं अगर आपको यह स्पेलिंग रूल आता है तो आप कभी भी यह गलती नहीं करेंगे फेम फेम में यहां पर ई साइलेंट है दिस रूट वर्ड एंड्स इन ई एंड दिस सफेक्स बिगिंस विद ओ वॉवल ई प्लस वॉवल देन वी ऑलवेज ड्रॉप दिस ई एंड वी शैल राइट फेमस एफ ए एम ओ यू एस इसी प्रकार से हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कम आई एन जी ई आई ई को हम ड्रॉप कर देंगे कमिंग सी ओ एम आई एन जी लिव आई एन जी लिविंग कंपेयर ए कंपेयर कंपेरेबल by ड्रॉपिंग ई देखिए जब हमने नया वर्ड बनाया तो ऐसी स्थिति में हमने ई e को रिमूव कर दिया ड्रॉप कर दिया छोड़ दिया और हमारा जो सफिक्स है वो एज इट इज एड कर दिया लेकिन क्या ये ऑलवेज सही होता है नो एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्स यहां पर बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं उन एक्सेप्शंस पर भी आप चर्चा करेंगे फॉर एग्जाम्पल माइल प्लस एज यहां पर ई e है लास्ट में यहां पर ए एज पर दिस रूल वी शुड ड्रॉप दिस ई बट इन केस ऑफ दिस वर्ड वी नेवर ड्रॉप ई वी रिटेन इट एंड इट बिकम्स माइलेज ई ए जी ई नेक्स्ट इज करेज OUS, courage plus OUS, E and O. In this word, we retain this E with courage and it becomes courageous as you see here. And next word is noticeable, E plus A, it becomes noticiable. These are a few exceptions to the above rule. But usually, this rule is followed like this that if a word ends in a silent e plus a suffix beginning with a vowel sound, we usually drop e before making a new word. Now, next rule is if the root word ends in e, as I have discussed, and the suffix begins with a consonant sound instead of a vowel sound then always retain e except a few for example care it ends in e and next suffix begins with f which is a consonant sound ef what shall we do we shall retain this e we shall not drop this e here it becomes careful halaki ये जो सफिक्स है फुल इसमें डबल एल होता है जब भी ये किसी वर्ड के साथ एज ए सफिक्स अटैच होता है तो दिस डबल एल बिकम्स अ सिंगल एल केयरफुल ब्यूटीफुल लाइक दिस नेक्स्ट इज एंटायर प्लस एल वाई ई लास्ट ई एंड फर्स्ट कॉन्सनेंट साउंड और कॉन्सनेंट e l we shall retain this e and it becomes entirely next is live l y it becomes lively next is safe t e n t we shall retain this e here as the suffix begins with a consonant it becomes safety we shall retain this e move plus ment E plus M, consonant. We shall retain this E, and it becomes movement. But there are also a few exceptions to this rule. What are those exceptions? Do plus L Y, E plus L. We should retain this E as per our rule, but this is an exception. We shall remove this E in this word, and it becomes duly. In the same way, one more important word is there, which is frequently used in letter writing and other writing skills. Truly, T R U E true plus L Y, we never we never retain e of true in this word, and it becomes truly, T R U L Y. R U plus meant. शैल रिमूव दिस ई हियर इन केस ऑफ एक्सेप्शन टू दब रूल एंड इट बिकम्स आर्ग्यूमेंट नॉट आर्ग्यूमेंट इट बिकम्स आर्ग्यूमेंट हमने सीखा कि अगर कुछ रूटवर्ड्स उनके लास्ट में ई e है लेकिन सफिक्स अगर वोवल साउंड से शुरू होता है तो हम ई e को रिमूव कर देंगे सफिक्स अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम ई e को रिटेन करेंगे एक्सेप्ट ए फ्यू एक्सेप्शनल केसेस एक्सेप्शनल वर्ड्स यहां पर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वाइट बोर्ड एंड मेक नोट्स इन योर ऑन नोटबुक्स लेटस डिस्कस रूल नंबर फाइव रूल फाइव स्पेलिंग रूल नंबर फाइव यहां पर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स की चर्चा करनी है उस ऐसे वर्ड्स को नोट करना है जो सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं सिलेबल का क्या मतलब है कट बिग पोट बट ये सभी शब्द जो छोटे छोटे शब्द हैं जिनमें केवल एक वॉवल साउंड आती है उन्हें हम सिंगल सिलेबल वर्ड्स कहते हैं ये सिंगल सिलेबल वर्ड्स फॉर एग्जांपल मैंने यहां दो एग्जांपल लिए हैं बैग, प्लान। यहां पर दोनों में एक एक वोवल साउंड है मींस ये सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं इनमें यदि हम कोई सफिक्स ऐड करते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं और वो सफिक्स वॉवल से स्टार्ट होता है वॉवल से बिगनिंग है उसकी तो हम हमेशा उस नए बने हुए वर्ड में इस लास्ट कंसोनेंट को डबल कर देंगे फॉर एग्जाम्पल बैग ई डी बैग यहां ये जो लास्ट कंसोनेंट है जी ये डबल हो जाएगा एंड इट विल बिकम बैग बैग प्लस ए आर बेग जी डबल हो जाएगा लास्ट कंसोनेंट ऑफ दिस सिंगल सिलेबल वर्ड ई एन जी बैगिंग डबल जी यहां पर आपको केवल यह देखना है कि ये वर्ड या तो सिंगल सिलेबल का होना चाहिए मीन सिंगल वोवल साउंड वाला होना चाहिए यहां वोवल एक से ज्यादा हो सकते हैं बट साउंड वन होनी चाहिए वो होगा हमारा सिंगल सिलेबल वर्ड सफेक्स हमारा वोवल साउंड से बिगिन होना चाहिए यदि कंसो दिस कंसोनेंट प्लस ए ए विदल साउंड ऑलवेज डबल द लास्ट कंसोनेंट ऑफ दिस सिंगल सिलेबल वर्ड आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्लैन दिस इज ए सिंगल सिलेबल वर्ड एंडिंग इन ए कंसोनेंट एन इफ वी एड द सफिक्स इज बिगिनिंग विद वॉवल्स विद वॉवल साउंड ई डी ई आर आई एन जी क्या करेंगे वी शैल डबल दिस एन बिफोर एडिंग दीज सफिक्स प्लानिंग वी शैल डबल दिस एन प्लैंड प्लानिंग प्लानर लाइक दिस प्लैंड प्लानर प्लानिंग डबल कर देंगे लास्ट कॉन्सोनेंट को अब दो तीन वर्ड मैं आपके लिए दे रहा हूं ड्रॉप सिंगल सिलेबल वर्ड इसमें आप ईडी या आर आई एन जी एड कीजिए अपने आप इन वर्ड्स को लास्ट कंसोनेंट को डबल करते हुए बनाते चलिए फॉर गेट सेड एंड मैनी मोर आप एक लिस्ट बना सकते हैं और कहां कहां ये लास्ट कंसोनेंट डबल होगा इसकी एक सूची बनाकर आप अपनी वोकेबलरी को अपने स्पेलिंग्स को ठीक कर सकते हैं एनरिच कर सकते हैं परंतु ये हमेशा सत्य नहीं होता कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास जो एक्सेप्शन हैं इसके हो सकता है आपको एक्सेप्शन पसंद ना आए हर चीज में एक्सेप्शन क्या करें इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शन एक्सेप्शन कहां नहीं है हर जगह हमारी सोसाइटी में भी एक्सेप्शन हैं। नेचर में भी एक्सेप्शन हैं। हर जगह विद्यमान है तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक्सेप्शन प्लांट एक वर्ड है प्लांट

बी आर ओ डे ब्रूट वी शैल नोट मेक द लास्ट कॉन्सनेंट डबल इन सच वर्ड दे आर एक्सेप्शन टू दिस रूल आइए अब यह डबल कॉन्सनेंट होने वाला रूल और कहा एप्लीकेबल है यह सीखते हैं क्या ये केवल सिंगल सेलेबल वर्ड पर एप्लीकेबल है नो no. ये डबल सिलेबल वाले कुछ वर्ड्स पर भी एप्लीकेबल है लेकिन केवल उन वर्ड्स पर जहां पर स्ट्रेस लास्ट सिलेबल पे है एक्सेंट लास्ट सिलेबस पे है सिलेबल पे है इफ द लास्ट सिलेबल इज एक्सेंटेड इन ए टू सिलेबिक वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल एडमिट यहां पर एक्सेंट यहां है मतलब यहां हम इसको थोड़ा ऊंचा बोलते हैं हम बोलते हैं एडमिट एक सिलेबल ये है एक सिलेबल ये है लास्ट सिलेबल एक्सेंटेड है तो इसमें भी अगर हम इस तरीके के सफिक्स ऐड करेंगे जो हमने यहां किए थे तो ये लास्ट कॉन्सनेट डबल हो जाएगा बिकम एडमिटेड इट विल बिकम एडमिटिंग विल बिकम एडमिटेंस डबल हो जाएंगे लास्ट वाले टी, नेक्स्ट इज अक्कर, सिलेबल वन

क्रिंग अक्रेंस इफ वी एड ई डी आई एनजीसी विल बिकम अड अक्रिंग ऐसे ही कुछ वर्ड में आपके लिए देता हूं जो यू फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं रेफर आर ई एफ ई आर रेफर यहां पर सिलेबल वन सिलेबल टू यह सिलेबल टू एक्सेंटेड सिलेबल है लेकिन टू सिलेबिक वर्ड है इसलिए हम जब भी इसमें वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाले सफ़िक्स ऐड करेंगे वे विल मेक दिस लास्ट आर डबल मेक इट योर सेल्फ नेक्स्ट इज फॉर गेट अगेन टू सिलेबिक वर्ड फॉर गेट एक्सेंटेड सिलेबल नेक्स्ट तो ये क्या करेंगे इस टी को हम डबल कर देंगे जब भी हम इसमें कोई ऐसा सफिक्स ऐड करेंगे जो वोवल साउंड से शुरू होता हो हमने सीखा कि किन किन वर्ड्स में सफिक्स ऐड करते समय स्पेलिंग रूल क्या कहता है हमें कौन सा लेटर डबल करना है लास्ट कॉन्सनेंट ऑफ द रूट वर्ड कौन कौन से मोनोसिलेबिक वर्ड एंडिंग इन ए कॉन्सनेंट साउंड कॉन्सनेंट एंड बाई सेलेबिक वर्ड हैविंग द लास्ट सिलेबल एक्सेंटेड तब हम लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू देर आर ए फी टू इट वी शैल नॉट मेक इट डबल इट विल बिकम बेनिफिटेड नॉट बेनिफिटेड डबल टी नहीं होगा यहां पर हम बेनिफिटेड करेंगे सिंगल टी होगा डिफर डिफर बाई सिलेबिक वर्ड टू सिलेबल है डी ई एंड ऑ दो वबल साउंड है यहां पर तो डिफर प्लस एंड वी शैल नॉट मेक इट डबल इट विल बिकम डिफरेंस नॉट डिफरेंस इट विल बिकम डिफरेंस इस प्रकार से यह कुछ एक्सेप्शन भी हैं और एक्सेप्शन के साथ दिस इज द रूल नंबर फाइव मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यू मोर वर्ड्स ऑफ दिस टाइप फॉलोइंग दिस रूल एंड एन रिच योर स्पेलिंग नेक्स्ट रूल रूल नंबर आइए अब हम स्पेलिंग रूल सिक्स की चर्चा करते हैं इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं वो एजेक्टिव हो सकते हैं वाब्स भी हो सकते हैं विच एंड इन वाई प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सनेट और वॉवल बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जिनके लास्ट में वाई आता है लेकिन उनसे पहले एक कॉन्सनेंट होता है या वाई से पहले वॉवल होता है यदि वाई से पहले कॉन्सनेंट है इफ वाई इज प्रेसिडेड बाई ए कॉन्सनेंट इन केस ऑफ एन एक्जेक्टिव एंड वी हैव टू एड ए सफेक्स टू इट

Appier, happiest, etc. ऐसे बहुत सारे शब्द हैं यहां केवल मायने ये रखता है कि इस वाई से पहले यह जो लेटर है यह कॉन्सनेट होना चाहिए सेकेंड इज ड्राई प्लस ई आर तो हम इस यहां पर यह ड्राई है इस वाई को आई में चेंज कर देंगे एंड इट विल बिकम ड्रायर आई ई आर आइए कुछ और शब्द देखते हैं एक और एजेक्टिव हम लेते हैं ब्यूटी ब्यूटी प्लस फुल इट बिकम्स ब्यूटीफुल आई में चेंज कर देंगे क्योंकि ये वाई प्रेसिडेड किससे है टी से है जो कि एक कॉन्सनेंट है ब्यूटी प्लस फुल दूसरी बात ये कि यहां पर ये फुल भी जब सफिक्स के रूप में किसी भी वर्ड में ऐड होता है तो इट बिकम्स सिंगल एल एंड इट बिकम्स फल इंस्टेड ऑफ फुल हम इसे ब्यूटीफुल नहीं कह सकते इट बिकम्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एल भी सिंगल हो जाएगा और वाई को हम आई में चेंज कर देंगे इट विल बिकम ब्यूटीफुल इस प्रकार से आप कुछ और शब्द ले सकते हैं जो वाई से पहले जिनमें कॉन्सनेंट आता हो उनमें कुछ सफेक्सेज एड कीजिए बाई चेंजिंग वाई इन टू आई नेक्स्ट इज कुछ ऐसे वर्ब्स हैं विच एंड इन वाई एंड प्रेसिडेड बाई ए कॉन्सनेट अगर आप उनमें ईडी एड करते हैं तो वाई को रिमूव करेंगे आई में चेंज कर देंगे लेकिन देखिए अगर हम उनमें ing ऐड एड करते हैं तो वी शैल रिटेन दिस y, वी शैल नॉट चेंज दिस वाई into आई आइए एक एग्जाम्पल से हम इस रूल को भी समझने का प्रयास करें कॉपी प्लस ईडी जैसा कि आपको पता है दिस वाई प्रेसिडेड p, पी विच इज consonant. कॉपी अगर हमें इसमें ऐड करना है ईडी वी शैल चेंज दिस वाई i आई एंड इट विल बिकम Copied. P पी आई -E d. अगर हम इसमें चेंज करेंगे आई एनजी एड करते हैं तो वी शैल नोट चेंज दिस वाई इंटू आई इट वाई विल बी रिटेन सी ओ पी वाई आई एनजी इट बिकम्स कॉपिंग ऐसे बहुत सारे अन्य शब्द भी हो सकते हैं मेक ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स विद सफिक्सेस वेयर डू वी चेंज वाई इनटू आई एंड वेयर वी डोंट और वेयर डू वी रिटेन वाई एज इट इज आइए अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करते हैं जिनमें वा, वाई से पहले वॉमल होता है इंस्टेड ऑफ ए कॉन्सनेट इन दिस केस वी शैल रिटेन वाई एज इट इज मीन्स वी शैल नोट चेंज वाई इन टू आई एनोय ईडी एनोइड

by retaining y do it yourselves next is there are a few exceptions and the exception is say pay lay these monosyllabic words in which y is preceded by a vowel when we change we make their past tense we change their past form of verb y is changed into i. halaki, this is an exception to the above rule. when y is preceded by a vowel, we don't change. we keep it as it is. but in these words, we change this y into i and add d to them. said, s-a-i-d. p-a-y, p-a-i-d. paid. l-a-y, l-a-i-d. laid. इस प्रकार से हम इनको चेंज कर देते हैं इसके अलावा आइए यहां पर हम एक और चर्चा करना आवश्यक है और वो है सिंगुलर लूरल मैं यह दो वर्ड्स लेता हूं और उन दोनों वर्ड्स में देखिए एक वर्ड लिया मैंने स्टोरी एस टी ओ आर वाई इन दिस वर्ड

टी ओ आर ई वाई स्टोरी हियर दिस वाई इज प्रेसिडेड बाई ए वोवल दिस स्टोरी मीन्स मंजिल कितने मंजिला भवन है हाउ मैनी स्टोरीज आर देयर इन दिस बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सिंगल स्टोरी बिल्डिंग डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी एंड सो ओन अगर हमें इसको चेंज करना हो तो हम इस वाई को रिटेन करेंगे और एस लगा देंगे इट बिकम्स स्टोरीज ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते फॉर एग्जाम्पल देखिए बॉय वाई इज preceded बाय ओ चेंज इट into प्लुरल बॉयज रिटेन वाई एंड add एस मंकी एम ओ एन के ई वाई रिटेन दिस वाई एज इट इज वाई डू बी रिटेन बिकॉज द स्पेलिंग रूल सेज दैट इफ दिस वाई इज प्रेसिडेड बाई ए वोवल डोंट चेंज वाई इंटू वाई रिटेन वाई एज इट इज एंड एड एस टू इट इट बिकम्स मंकीज डोंकीज ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां हम इस रूल को फॉलो करते हुए नंबर भी चेंज करते हैं और इस प्रकार से यहां ये रूल एप्लीकेबल है सिंगुलर प्लुरल बनाते समय भी इस प्रकार से आपने वीडियो सिक्स में वीडियो सेकंड वीडियो में रूल सिक्स में यह देखा इफ ए वर्ड एंड्स इन वाई प्रेसिडेड बाय आइदर ए कॉन्सनेंट और ए वोवल How do we change or add suffixes to them? Thank you very much.